बुलेटिन की शुरुआत झारखंड के पलामू में कल दो समुदायों के बीच हुई हिंसा के साथ करेंगे। महाशिवरात्रि के लिए पलामू के पाकी इलाके में मस्जिद के बाहर तोरण द्वार बनाने को लेकर जो हुए विवाद में हिंसा में कल 6 लोग जख्मी हो गए थे। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पलामू हिंसा के लिए सीधे सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जिम्मेदार बताया है। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में ओवैसी ने कहा कि झारखंड की सोरेन सरकार को भी इस हिंसा के लिए कसूरवार ठहराया गया। ओवैसी ने कहा कि हिंसा रोकने में झारखंड सरकार नाकाम रही है, ये सोची समझी साजिश है। झारखंड में पांकी में जामा मस्जिद के सामने कभी भी शिवरात्रि के दौरान में वहां पर गेट नहीं लगाई गई थी और मुकामी लोकल पुलिस स्टेशन में बैठकर ये बात कह दी गई, तय हो गया कि जामा मस्जिद के सामने द्वार या गेट नहीं लगाएगी। अचानक फिर आप स्टोन पेल्टिंग करते हैं मस्जिद के ऊपर, दो घर को जला देते हैं, टू व्हीलर को जलाते हैं और फोर व्हीलर को जलाते हैं। ये तो संघ परिवार की बहुत बड़ी साजिश थी, वो कामयाब हो गए और वहां की सरकार नाकाम हो गई। उनको तो चाहिए था कि आपकी ये सब चीजें हो रही हैं, तो सरासर इसकी पूरी जिम्मेदारी वहां की लोकल रूलिंग पार्टी के ऊपर आती है, GMM के ऊपर, जो नाकाम साबित हुई है रोकने में नाकाम। इससे पहले फायरिंग हुई आपके ब्रांची में, वहां पर लोग मर गए और यहां पर आपको मालूम कि ये चीजें हो रही हैं, तो आपको रोकना चाहिए था उसको। ये नाकामी है उनकी सरासर। ये सर अभी भी वायलेंस चालू ही है और कई 12 लोग के ऊपर इसमें बहुत इंजर्ड है और पुलिस का भी एक्शन इसमें बिल्कुल अभी तक हुआ नहीं है, पूरी तरह से जांच भी अभी किया नहीं है। किस तरह का गवर्नेंस के बारे में आप बात कर रहे हैं? हम तो ये अपील करेंगे कि ये इस वायलेंस को इमीडिएटली सरकार को रोकना चाहिए। इस वायलेंस के ऊपर जो भी ये पूरा कॉन्स्पिरेसी के तहत साथ तैयारी के साथ किया है उनको पकड़ना चाहिए और ये नाकामी है सरकार की और कामयाबी है उन दंगाइयों की। ये तो संघ परिवार का पूरा कॉन्स्पिरेसी है जो कामयाब हो गए उसमें। तो पलामू हिंसा के पीछे ओवैसी को संघ की साजिश दिखाई दे रही है, लेकिन इलाके के बीजेपी विधायक शशि भूषण मेहता दूसरे पक्ष पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी विधायक ने सवाल यह उठाया है कि वहां ईंट पत्थर कहां से आए। जानबूझकर के इसको बदनाम करने के लिए पांकी को इस प्रकार से काम किया है कि पांकी अशांत हो जाए। वैसे लोगों को अभिलंब कार्रवाई करने के लिए समाज प्रशासन करता हूं। साथ ही साथ ये आज आप यहाँ से आगे बढ़े, ये चौक से आगे, और चौक से आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि हजारों पत्थर ईंटा और पत्थर ऐसा पड़ा हुआ है ये नीचे में। ये पत्थर आया कहाँ से और ये मस्जिद से के ऊपर ऐसा पत्थर आया कैसे और कैसे ईंटा आया वहाँ पर और ये और जब ऐसा ये जैसा कि ऐसे लोग बता रहे हैं कि कल ऐसा ये कुछ लोग अपना ईंटा या पत्थर ईंटा चढ़वा रहे थे, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए और अशांत कराने वाले व्यक्ति को निश्चित रूप से ऐसे सरकार करे व्यवस्था करे कि भविष्य में पाकी ऐसा बदनाम नहीं हो, पाकी अशांत नहीं हो। और ये इसका मतलब ये होता है कि मस्जिद के ऊपर ऐसा पत्थर चढ़ गया, ईटा चढ़ गया, इसका मतलब यही होता है कि ये सरकार की नाकामयाबी है और ये खुफिया तंत्र ये कहिए कि फेल है।